जिसका घर, जिसका कलम, जिसका बीवी का और बच्चों की शादी का पैसा जो डाला है, इनको आने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। जिसके पास लग्जरी कार है, जिसके वोट की इजाज़त मैनेजमेंट दिए हैं, सिर्फ इन्हों ही आए हैं। और इसका फैसला हॉनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में 28 तारीख को दिया है। ये कमिटी जीते फिर भी कोर्ट से हारे, तो 7 साल के पहले से 100 करोड़ रुपया जो डाले हैं बोर्ड वाले, उनके तकरीबन 5000 करोड़ रुपए पूंजी बनी है तिजारत में, स्कूल्स में और बिल्डिंग में। के रहमान खान साहब कंटेस्ट नहीं किए, आलम पाशा कभी कंटेस्ट नहीं करेगा, हमें दोनों कंटेस्ट नहीं किए हैं और दोनों मिलके हाउम की जिम्मेदारी लिए हैं, एक ही टीम की जिम्मेदारी लिए हैं। जो लोग 60 साल से जिसका पैसा गया है, जिसके पैसों से बड़े लोग बने हैं, जिसका नाम मैं बोला हूँ, कई बिल्डर्स बने हैं, कई स्कूल्स कॉलेजेस बने हैं, ये पैसा वापस जाने का है, ये वापस जाना मांगता है। वापस जाने के लिए हम लोग एक से एक गले मिल रहे हैं, गले मिल के कोशिश कर रहे हैं कि भाई वापस कैसा दें हमें। अभी ये हमारे डायरेक्टर इलेक्टेड हैं साबिर गौरी, अनअपोज हैं, इनके खिलाफ कोई आदमी जीत नहीं पाया। और ये लोग भी, इन्हों भी बताए, आज आए जीते हैं, इनकी पर्सनालिटी से जीते हैं, किसी की मदद नहीं लिए। और इनकी भी यही वादा है, इन्होंने मिलके मेरे को बोले अपनी चीज़ अपना क्या है, इनके पास ये अपना कलम है वो भी देने के लिए, बैंक को देने के लिए इन्होंने तैयार खड़े हैं। ऐसे जितने अभी 13 डायरेक्टर आ रहे हैं, इनके पास जात जायदाद अपनी रेपुटेशन एवरीथिंग, ये गरीबों के लिए जो 75 साल से जो लोग की पूंजी पड़ी है उनको देने के लिए एक ही शपथ लेके आए हैं, डिक्लेयर किए हैं साबिर गौरी। तो इनके जैसे, इनके ही साथ और जैसे 12 डायरेक्टर और भी आएंगे, उनसे भी उम्मीद है उन्हीं भी ऐसा ही करेंगे। अपने पास जो है, उनके पास जो 50 रुपया है, 10 रुपया है, हमें देंगे, हमें देने के लिए तैयार हैं होम के लिए। दैट इज़ द जिम्मेदारी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नया टीम का यही मतलब है, चाहे इसमें बिल्डर हैं, चाहे स्कूल वाले हैं, चाहे अपने दूसरे हैं, ये लोग पूरा वापस देना। और इन्हों तो लिया नहीं है, कुछ भी नहीं लिया है, और इसके बावजूद भी बोलेंगे हमारे पास जो है हम वापस देंगे, हमें डालेंगे, पूंजी जमाएंगे, जमा के खड़ेंगे। तब कर्नाटका के 150 लाख मुसलमान के दिल में रहम नहीं, दुआ निकलेगी, और जो छोड़ा हुआ पैसा उसे माफ़ नहीं करेंगे, और भी सामने आएंगे। तो ये की मेरी मांग है डायरेक्टरों से। और दूसरी बात, जो रहमान खान साहब है और दूसरे हैं, तमाम से मेरी गुजारिश है कि भाई जितना पैसा लोगों को देख के हम ना हंसा नहीं आने का, मजाक नहीं करेंगे, हमें दर्द करेंगे ये लोगों, कर्नाटका के मुसलमानों को देख के, ये दर्द मंदी से जो फ़ायदा लिए हैं। सिर्फ मालूम है पुराने चेयरमैन साहब को, पुराने डायरेक्टरों को, ये लोग अपने आप से समझो एक बिल्डर बना है, जो 50 लाख रुपए बैंक से लिए, आज तकरीबन 5000 करोड़ के हैं। एक स्कूल बना है जो सिर्फ 6 लाख रुपए से चालू किए, एक लंका की स्कूल हो, दूसरी हो, आज 20000 करोड़ की है। तो जिम्मेदारी बनती है वापस देने की, कम से कम पैसा ना से ही अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में जगा दो बच्चों को, फ्री इलम देंगे हमें, अपने बिल्डर्स हैं, अब उसमें हमें बोलेंगे हमें हमारे प्रॉपर्टियों में आप आधे रेट को देंगे या पूरे रेट को देंगे, हमें बैंक से तिजारत करवाएंगे, बैंक से पैसा लाएंगे, उसमें सब्सिडी लेंगे। ये तमाम ये लोग अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी लाना है इसमें, इसमें कोई बात 160 लाख मुसलमानों का नहीं है, 160 लाख मुसलमान नाराज़ हैं। सर आज हम देख रहे हैं कि 20,000 रजिस्टर्ड वोटर्स होने के बावजूद दोपहर तक सिर्फ 200 लोग वोट कर रहे हैं, इतनी गिरावट क्यों वोटिंग परसेंटेज में? 40 पर 6,000 वोटर्स हैं, इसमें सिर्फ 21,000 वोटरों को आने की इजाज़त दिए हैं, जो हॉनरेबल हाईकोर्ट को बहुत बुरा लगा है। ये 28 तारीख को अपनी केस चला रहे हैं, जो जीते हुए लोग उधर भी जाएंगे पेश करेंगे।
28,000 आदमी को वोट करने का, इधर अंदर ग्राउंड में आने का, कंटेस्ट करके गरीबों को रिप्रेजेंट करने का मौका अमानत बैंक के 75 साल यानी 65 साल का मैनेजमेंट दिया नहीं है, तो दिए हैं 21,000 आदमी को। तो 21,000 आदमी में आज 100 वोट पड़ा है, आप बोल रहे हैं, और 150 कार खड़ा है, पूरा लग्जरी कार खड़ा है, 150 कार का आदमी डाला है, जिसका रिक्शा, जिसका घर, जिसका कलम, जिसका बीवी का और बच्चों की शादी का पैसा जो डाला है, इनको आने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, तो ये लोग वोट नहीं किया है। जिसके पास लग्जरी कार है, जिसके वोट की इजाज़त मैनेजमेंट दिए हैं, सिर्फ इन्हू ही आए हैं, और इसका फैसला हॉनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका में 28 तारीख को दिया है, ये लोगों की पिटीशन मंजूर किया है, ये केस चलेगी। मुझे उम्मीद है ये कमेटी जीते, फिर भी कोर्ट से हारें, क्वाश करें, और फिर भी नई कमेटी आए हैं, क्या यही कमेटी रहे हैं? तो पूर्वों का एक ही फर्ज रहेगा, एक ही मतलब रहेगा कि भाई जॉइंट काम करें, गरीबों के लिए करें। दुनिया की हर चीज़ में कोई चीज़ नहीं है, जनाजा उठने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, इसलिए बैंक में से ही पैसा जाएगा, ये पैसा बैंक में है। 75 साल की बैंक में हिंदुस्तान के पूरे डिपार्टमेंट के, पूरे गवर्नमेंट के, रोड ट्रांसपोर्ट के, रिजर्व बैंक का, रेलवे का पैसा आना चाहिए। ये पैसे लाने की सूरत भी बनाना है, जब सूरत बनाना है तो अपनी एक ट्रस्ट बनाना है, यानी ये कॉन्फिडेंस बनाना है, ये बनाएंगे तो पैसा आएगा, ये बनाने की कोशिश करेंगे रहमान खान साहब, क्योंकि आज रहमान खान साहब कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। जब केस आया, मेरे ऊपर केस नहीं है, जो बैंक बनाया मैं खुद बनाया, आज की टीम इलेक्शन खड़ी है ये मेरी टीम है, जो चीज़ घोटाला हुआ ये मेरा नहीं है, जो आदमी जेल को गया ये मेरा नहीं है, समझ गए? ये तमाम चीज़ एक घर में दो चार बीवियों का नहीं, एक बीवी के बच्चे हैं, एक माँ के बच्चे हैं, कर्नाटक के पूरे लोग, इनको पूरा मालूम है। सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक का कहना है कि बैंक ने पिछले साल 2.25 करोड़ का मुनाफा दिखाया है, 80% के लोन को इंटरेस्ट के साथ रिफंड किया है, जो 20% बचा उसको शेयर कैपिटल जैसे रखा वो भी वापस देने वाले हैं। तो आपको अब कहाँ नज़र आ, अब तो आपको पॉजिटिविटी नहीं नज़र आती? नहीं, तुम्हारे इलम की कमी है, जो बोले हुए आदमी उन्हें तो इलम पढ़ा ही नहीं है। तो 20% जो कटा है उसको इंटरेस्ट नहीं है, 2015 में कटा ये 22, 7 साल से 25 से 100 करोड़ रुपए कटा है, तो 7 साल के पहले से 100 करोड़ रुपया जो डाले हैं बोर्ड वाले, उनके तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए पूंजी बनी है तिजारत में, स्कूल्स में और बिल्डिंग में, और ये पैसों को इंटरेस्ट नहीं है, ये पैसों को डिविडेंड नहीं है, कहाँ से आ गया, कौन सी इलम है, कौन बोले? तो इसलिए ऐसे बात करेंगे, ऐसा ही काम करेंगे तो सीबीआई के पीछे जाएंगे। जो अब बंगाल का एक मिनिस्टर है, उन्हें उसके पास ढिगार ढिगार दौलत है, उसको एक बार अच्छी टॉयलेट नहीं मिल रही है, क्योंकि कानून के में एजुकेशन मिनिस्टर कानून से खिलवाड़ा करेंगे, ठगाएंगे तो यही होगा, वो भी आखिरी टाइम पे होगा। इन्हें एक बार अच्छी टॉयलेट में अपनी चीज़ के लिए अंदर जाएगा, उन्हें देने के लिए चाहेगा 50 लाख रुपया, एक बार ढंग से उन हमाम टॉयलेट को यूज़ करें, नहीं हो पा रहा है, इसलिए दौलत नहीं काम आएगी, कानून की पालन करना है, लोगों के पास हमदर्दी करना है, ये जो चीज़ ही काम आएगी, ना डिविडेंड मिला है, ना इंटरेस्ट गया है, ना ये देने की पूरी इसमें कोई इलेक्शन में ना मैनिफेस्टो है, ना ये पैसा रहने से, जिसका पैसा तुम्हें 20% बोले हैं वो पैसा कॉलेज में है, वो पैसा बिल्डिंगों में है, तिजारतों में है, सब जगह है, ये वापस कैसे आएगा? ये तो वापस आना ना, वापस आएगा तो देंगे ना, ये बोलना चाहिए हमें, ये पैसा उठाइए हम इधर डालिए, इसका मतलब तभी डिफिसिट बना, 100 करोड़ की ज़रूरत है, 100 करोड़ डालें, ये पैसा है उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तुम ठगा रहे हैं, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हैं लोगों के सामने, मीडिया के साथ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई कोलैटरल नहीं दिया गया इतने बड़े लोन्स को लेने, या क्या ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में पता ही नहीं। वो तो 1995 की बात कर रहे हैं, मैं तो 2022 की बात कर रहा हूँ,
95 में जो प्रॉपर्टी बगैर कोलैटरल के बिल्डरों को ऐसे स्कूलों को ज़िराती ज़मीन लेने, ज़िराती ज़मीन नहीं, आपकी एजुकेशन MBBS MD IAS के लिए 20,000 कोलैटरल से नहीं दे रहे हैं, 50,000 नहीं दे रहे हैं। ज़िराती ज़मीन लेने के लिए जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है उसके लिए, जिसका टाइटल नहीं है उसके लिए, जो असद करके एक बंदा बना, मैनेजर चोर बना आखिर में, वो उसके लिए जिसके पास पेपर है या डॉक्यूमेंट है कई करोड़ रुपया, 2000 यानी आज के 30 साल पहले हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पैसा उठा के दिए, तो इसकी जिम्मेदारी आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे, जब उस दिन के डायरेक्टर्स जिम्मेदारी हो तो ये बैंक को नीलाम कर देते, ये काम को रिजाइन कर देते, ये लोगों को जेल में कर देते, नहीं किए तो जिम्मेदार वो हैं, अभी करने तैयार नहीं। आज की कमिटी, आज के डिक्लेरेशन, आज के 13 डायरेक्टर भी जेल को जाएंगे।